गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का न्यूज़पेपर स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला आर्टिकल जो है मिचॉन्ग के बारे में आया। हम जैसे कि कल आर्टिकल हमने डिस्कस किया था साइक्लोन के बारे में, कि साइक्लोन मिचॉन्ग कैसे डेवलप हुआ और इसको किसके द्वारा नाम दिया गया। देखो, मैंने कल आपको बताया था साइक्लोन मिचॉन्ग जो नाम दिया गया है वो म्यांमार के द्वारा दिया गया। आप जैसा कि जानते हैं, कोई भी साइक्लोन किसी भी रीजन में आते हैं तो उनके डिफरेंट नेम होते हैं, तो डिफरेंट कंट्रीज़ अपने नेम की लिस्ट दे देती हैं। हर कंट्री के नेम की लिस्ट से एक एक नाम आता रहता है। जैसे इंडिया की नाम की एक लिस्ट है तो ये ऊपर वाला नाम आ जाएगा, फिर म्यांमार की, फिर बांग्लादेश की, फिर नेपाल की। तो इस तरह से जो रीजनल वाइज होता है, रीजन वाइज ये डिसाइड होता है कि कौन सी कंट्री का नेम फर्स्ट आएगा। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर रीजन की कंट्री डिसाइड कर लेती हैं कि हम एक ग्रुप फॉर्म करेंगे और इस ग्रुप के आधार पर साइक्लोन का नाम रखा जाएगा। तो साइक्लोन मिचॉन्ग ने क्या किया है, बहुत ज़्यादा लैंडफॉल, बहुत ज़्यादा क्राइसिस इमर्ज किया है आंध्र प्रदेश में और मेनली तमिलनाडु में। अभी ये लैंडफॉल हुआ है कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में। आप जानते हैं कल मैंने आपको बताया था कि लैंडफॉल क्या होता है। लैंडफॉल होने से क्या होता है, जो एनर्जी मिलती है, मॉइस्चर मिलता है, वो मॉइस्चर मिलना ख़त्म हो जाता है। ठीक है, जब मॉइस्चर मिलना ख़त्म हो जाएगा तो क्या होगा, साइक्लोन जो है आसानी से डिसिपेट हो जाएगा, उसको आसानी से ख़त्म होने का एक ज़रिया मिल जाएगा। जब तक जो मॉइस्चर उसको मिलता है वो ख़त्म नहीं होगा तो साइक्लोन की टेंडेंसी बढ़ती रहती है। हमने कल डिस्कस किया था कि साइक्लोन फॉर्म क्यों होता है। देखो, 27 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर रहना चाहिए, वाटर के का बहुतता होना चाहिए, वाटर बहुत ज़्यादा होना चाहिए, और ये सब चीज़ें मैंने बताई थी आपको कि साइक्लोन आने के पीछे क्या क्या रीज़न होते हैं, क्यों साइक्लोन अक्टूबर हीट से आता है, अक्टूबर हीट का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, कैसे नॉर्थ ईस्ट मानसून जो है साइक्लोन को बल देता है। देखो, पहला इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो फ्रंट पेज पर द हिंदू के आया है वो ग्लेशियर्स श्रैंक के बारे में आया। इन्होंने बताया है जो ग्लेशियर हैं वो बहुत तेज़ी से श्रैंक हो रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, हमारी इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा लॉस देखने को मिल रहे हैं। इकोनॉमिक लॉसेस एक्सट्रीम वेदर इवेंट से बढ़ रहे हैं। मगर क्या हुआ है, 2011 से लेकर 20 तक, अगर ये यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ लेती है तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। 2011 से लेकर 20 तक क्या हुआ है, जो डेथ है वो ड्रॉप हुई है, ड्रॉप हुई हैं। उसका रीज़न क्या है, अर्ली वार्निंग सिस्टम एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट। देखो, गवर्नमेंट ने और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ने क्लाइमेट चेंज में पार्टिसिपेट करके बहुत सारे इनिशिएटिव लिए हैं, जैसे डिज़ास्टर मैनेजमेंट। डिज़ास्टर मैनेजमेंट क्या है कि आपको अर्ली वार्निंग सिस्टम के थ्रू पहले ही पता चल जाएगा कि कहीं साइक्लोन आने वाला है। ऐसे सैटेलाइट वर्क कर रहे हैं जो हमें बताते हैं कि कहीं पर साइक्लोन आने वाला है और उस साइक्लोन के क्या क्या इफ़ेक्ट होंगे, ये सब हमें पता चल जाता है। तो इससे हम क्या करते हैं, पहले ही डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक टीम बना लेते हैं। वो टीम क्या करती है, प्रॉपर मेजर्स लेती है और लोगों को इवैक्यूएट करती है वहाँ से। ठीक है, अब दूसरा रीज़न क्या है कि इस डिकेड में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और देखने को मिली है कि ओजोन होल विजिबल था अब तक, वो भी कहीं ना कहीं ओजोन होल डिप्लीट हो रहा, मतलब ओजोन होल की मात्रा कम हो रही है। अभी हम ओजोन होल भी देखेंगे, ओजोन होल कैसे अंटार्कटिक रीजन में डेवलप हुआ, क्या क्या रीज़न थे। ठीक है, हीट वेव जो था वन ऑफ द मेन रीज़न है जो ह्यूमन को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया। अगर आप पढ़ेंगे हैं तो हीट वेव काउज द हाइएस्ट ह्यूमन कैजुअलिटीज एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन इन्फ्लिक्टेड द मोस्ट इकोनॉमिक डैमेज। मतलब हाइएस्ट जो लॉसेस पहुँचाए हैं वो हीट वेव ने पहुँचाए हैं और जो साइक्लोन था उसने इकोनॉमिक डैमेज बहुत किया है। आप एक बात यहाँ पर जान लो, क्या होता है हीट वेव, क्या होता है हीट वेव, कोई भी एरिए के नॉर्मल टेम्परेचर से, मान लो किसी एरिए में नॉर्मल टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड रह रहा गर्मी, मगर ये 5 डिग्री अगर अप हो जाता है तो इसी को हम हीट वेव कह देते हैं। एकदम एब्रप्ट 5 डिग्री अप होने से क्या होता है, बहुत ज़्यादा बीमारियां होती हैं और बॉडी को बहुत नुकसान देखने को मिलता है। तो इसीलिए इस हीट वेव का बहुत ज़्यादा नुकसान इंसान के अंदर देखने को मिलता है। हीट वेव और साइक्लोन जो है मोस्ट इकोनॉमिक लॉसेस में रहा है। देखो, यहाँ पर यही चीज़ बताई गई है, ग्लेशियर श्रैंक 1 मीटर आ ईयर इन अ डिकेड, मतलब हर साल इस डिकेड में हर साल 1 मीटर जो है ग्लेशियर श्रैंक हुआ। 2011 से
20 तक की बात बताई गई है। जो वार्मेस्ट एवर डिकेड था ये बहुत ज़्यादा वार्म डिकेड रहा है और नंबर ऑफ डेथ जो है इसमें कम हुई है। बताया गया है कि अर्ली वार्निंग सिस्टम है उसकी वजह से हमने जो है एक्सट्रीम वेदर इवेंट का पहले ही पता लगा लिया, जिससे डेथ रेट कम हुई है। ठीक है, अब इम्प्रूवमेंट हुआ है अर्ली वार्निंग सिस्टम में, जिससे हम साइक्लोन को ईजिली फोरकास्ट कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा प्रिपेयर्डनेस रख सकते हैं, इवोक्यूट कर सकते हैं लोगों को ईजिली। ह्यूमन काउज क्लाइमेट चेंज सिग्निफिकेंटली इंक्रीज द रिस्क। अब जो ह्यूमन की वजह से जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ह्यूमन काउज क्लाइमेट चेंज क्यों कहा गया, क्योंकि जो हम फॉसिल फ्यूल बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, जो हमारे अर्थ में फॉसिल फ्यूल पाए जाते हैं उसको एक्सट्रैक्ट करके हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट बहुत आ रहे हैं और उससे ह्यूमन को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। ह्यूमन खुद को ही खुद ब खुद नुकसान पहुँचा रहा है। उसका रीज़न है कि हम रिसोर्सेज का बहुत ज़्यादा यूज़ करना और रिसोर्सेज का मेनली मिसयूज़ करना, सस्टेनेबल वे में यूज़ नहीं करना, दैट इज़ कॉल्ड ह्यूमन काउज क्लाइमेट चेंज। ठीक है, हीट वेव रिस्पॉन्सिबल है ह्यूमन की लाइफ को नुकसान पहुंचाने के लिए और ट्रॉपिकल साइक्लोन इकोनॉमिक डैमेज बहुत ज़्यादा पहुंचा रहे हैं। कह रहे हैं प्राइवेट और पब्लिक क्लाइमेट फाइनेंस ऑलमोस्ट डबल हुआ है, बहुत ज़्यादा बढ़ा है, मगर क्या है अगर हमें क्लाइमेट चेंज से इस डिकेड में निपटना है तो इस लास्ट डिकेड तक, मतलब लास्ट डिकेड के लास्ट साल तक हमें 7 times अपने क्लाइमेट चेंज को फंड को बढ़ाना होगा, क्योंकि क्लाइमेट चेंज फाइनेंस जो है बहुत ज़्यादा कम हो रहा है। कीप ग्लोबल टेम्परेचर फ्रॉम राइजिंग मोर देन 1.5 degree, मतलब अगर ग्लोबल टेम्परेचर को 1.5 डिग्री से कम रखना है, जो बढ़ रहा है ग्लोबल टेम्परेचर, आप ऐसे समझ लो, मान लो हमारी पृथ्वी का एवरेज टेम्परेचर 23 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, तो इसे 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचने से पहले इसको संभालने की ज़रूरत है। इसको कैसे हम यूज़ मतलब कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, यही चीज़ यहाँ पर बताई गई। आगे क्या बताया गया है, आगे बताया गया है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन क्या है। देखो आप ये चीज़ जान लो, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज एजेंसी है। स्पेशलाइज एजेंसी वो होती हैं जो किसी भी फील्ड में बहुत ज़्यादा अच्छे से रिजल्ट देती हैं। तो ये मेट्रोलॉजी और वेदर क्लाइमेट चेंज, मतलब मेट्रोलॉजी का मतलब ये है कि वेदर और क्लाइमेट चेंज के बारे में बताती है, ऑपरेशनल हाइड्रोलॉजी बताती है और ज्योग्राफिकल साइंस बताती है। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। फर्स्ट टाइम इसे किससे निकाला गया, इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है जो 1873 में बनी थी वियना इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल कांग्रेस में, उसको क्या किया गया, रिवर्थ किया गया उसे, और 23 मार्च 1950 को वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कन्वेंशन हुआ, उससे वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन आया। ठीक है, अब आगे क्या बताया गया है, ओजोन होल के बारे में बताया गया। देखो ओजोन होल जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एक्चुअली ओजोन होल इसे कहा जाता है मगर ये ओजोन होल नहीं होता। अगर आप ऐसे देखेंगे तो ये हमारा नॉर्थ रीजन है, ये हमारा साउथ रीजन है, तो साउथ रीजन में ये जो अंटार्कटिका है इसमें ये ओजोन की एक लेयर है। ओजोन की लेयर तो पूरे अर्थ पर है मगर अंटार्कटिका रीजन में जो ओजोन की लेयर है ये डिप्लीट हो रही है। डिप्लीट होने का मतलब है इसमें जो है बहुत ज़्यादा घटाव हो रहा है और घटाव होने की वजह से क्या होता है, अल्ट्रावायलेट रेज जो होती हैं, जो सूरज से आती हैं, वो ईजिली हमारी बॉडी को डिस्ट्रैक्ट कर सकती हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकती हैं। तो यही बात यहाँ बताई गई है कि ओजोन होल क्या है, एक ओजोन डिप्लीटिंग एरिया है जिसको, जिसके बारे में फर्स्ट टाइम कॉपरनिकस सेंटिनल 5P सैटेलाइट यूरोपियन स्पेस एजेंसी का उसने बताया है कि जो वार्मिंग कंडीशन है, जो वेदर चेंज हो रहा है उससे ओजोन होल बहुत मतलब उसमें ओजोन होल बहुत डिप्लीट हो रही है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, बहुत सारी गवर्नमेंट ने मिलकर इस पर संज्ञान लिया, इसके लिए बहुत सारे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया जिससे हमने बहुत सारी जो गैसेस थी उसको ख़त्म किया, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन को ओजोन से बचाने के लिए, ओजोन को बचाने के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन का ख़त्म किया, क्योंकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन से रिएक्शन करके ओजोन की मात्रा को घटा देती है, जिससे क्या होता है अल्ट्रावायलेट रे, जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होता है वो नहीं रुक पाता है, और जब वो नहीं रुक पाता है तो उससे क्या होता है, हमारे सूरज से
होने वाली बीमारियां जैसे स्किन कैंसर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इसीलिए ओजोन होल को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। देखो ओजोन होल जो ओजोन एरिया है जो ओजोन होल का वो स्ट्रेटोस्फीयर में है, इस टाइम अंटार्कटिका रीजन में ये डिक्लाइन हो रही है। कोई टेक्निकली ये होल नहीं होता है, मैंने आपको बता दिया, टेक्निकली ये डिप्लीटेड एरिया होता है। ओजोन के कंसंट्रेशन डॉप्सन यूनिट में नापी जाती है, आपको ये पता होना चाहिए ओजोन कहाँ पर कितनी है, ये डॉप्सन यूनिट में नापा जाता है। ओजोन होल ओवर अंटार्कटिका वेरी फ्रॉम ईयर, मतलब ओजोन होल जो है अंटार्कटिका में वेरी होती रहती है, कभी बढ़ जाती है कभी घट जाती है, ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिलती है। तो आपको ओजोन होल के बारे में बेसिक चीज़ ये पता होना चाहिए, ओजोन होल होता क्या है, स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन होल क्यों होती है, ठीक है, आपको ये सब चीज़ें पता होना चाहिए, अल्ट्रावायलेट रेस से कैसे बचाती है, और कॉपरनिकस सेंटिनल 5P सैटेलाइट क्या है, किस एजेंसी का है, ठीक है, ये दो तीन इंपॉर्टेंट बातें आपको पता ही होना चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल जो रिलेटेड है वो हमारा है आर्टिकल 371 के बारे में। देखो आर्टिकल 371 में स्पेशल प्रोविज़न दिए गए हैं नागालैंड के लिए। अब स्पेशल प्रोविज़न क्या होते हैं, देखो हमारे इंडिया का जो कल्चरल पर्सपेक्टिव है वो बहुत ज़्यादा डाइवर्स है। अब जब हमारा इंडिया इतना डाइवर्स है तो हमें इसको प्रिजर्व करने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, मतलब बहुत सारी चीज़ों का मतलब ये है कि लॉ एंड ऑर्डर जो है अलग एरिया में अलग होना चाहिए, लैंग्वेज के लिए अलग सिस्टम होना चाहिए, पार्लियामेंट्री सिस्टम अलग होना चाहिए। तो यही है कि नागालैंड में बहुत ज़्यादा नागाज ट्राइब मितीस ट्राइब पाए जाते हैं, तो इनके कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए कुछ स्पेशल प्रोविज़न बनाए गए आर्टिकल 371A में, ठीक है। ये हाईएस्ट डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी प्रोवाइड करता है और सेल्फ गवर्नेंस प्रोवाइड करता है नागालैंड को। देखो ये प्रोविज़न इंसर्ट किए गए थे 13th अमेंडमेंट एक्ट 1962 में, जब नागालैंड एक सेपरेट स्टेट बना 1963 में, ठीक है। मेन प्रोविज़न क्या है, देखो कोई भी पार्लियामेंट का एक्ट जो रिलेटेड है रिलीजियस और सोशल प्रैक्टिस से, जैसे रिलीजियस सोशल प्रैक्टिस क्या हो गया, नागा कस्टमर भी प्रैक्टिस हो गया, नागा के लैंड का ऑर्डर हो गया, नागा मैरिज हो गया, ये सब चीज़ें जो कस्टमरी लॉज हैं इनमें पार्लियामेंट का एक्ट डायरेक्ट अप्लाई नहीं होगा अनलेस स्टेट असेंबली डिसाइड बाई रिजोल्यूशन टू डू सो, मतलब अगर जब तक स्टेट असेंबली इस पर रिजोल्यूशन नहीं लाएगी तब तक पार्लियामेंट का एक्ट इस पर नहीं लागू किया जा सकता, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या बताई गई है, रोल ऑफ गवर्नर, गवर्नर शैल हैव अ स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कंसर्निंग लॉ एंड ऑर्डर, मतलब लॉ एंड ऑर्डर के लिए गवर्नर की स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब यही है डायरेक्ट यहाँ से के कोई भी चीज़ डायरेक्टली अप्लाई नहीं हो सकती, वहाँ के कल्चर को प्रोटेक्ट किया जाएगा, सोशल इशू को प्रिजर्व किया जाएगा। कोई भी आप चीज़ जैसे विमेन रिजर्वेशन बिल है, आप विमेन रिजर्वेशन बिल पार्लियामेंट से पास हो गया मगर यही चीज़ नागालैंड में पास नहीं हो सकती, नागालैंड में स्टेट असेंबली की ज़रूरत पड़ेगी, गवर्नर को वहाँ स्पेशली नज़र रखना पड़ेगी कि क्या यहाँ पर ज़रूरत है इसको अप्लाई करने की, इससे कन्फ्लिक्ट तो अराइज नहीं हो जाएंगे, ठीक है। ये डिस्टर्बेंस कॉन्टीन्यूस डिस्टर्बेंस कम करने के लिए ये सब किया जाता है। गवर्नर सेल इंश्योर एनी मनी प्रोवाइडेड बाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्पेशल प्रोविजन पर्पज इंक्लूडिंग डिमांड ग्रांट रिलेटिंग टू द, मतलब कह रहे हैं कि जो मनी प्रोवाइड की जाती है वो गवर्नर इंश्योर करता है वो किस फील्ड में खर्च होगी, और स्टेट असेंबली का उसमें बहुत बड़ा रोल होता है। देखो रीजनल काउंसिल यहाँ पर बनाई जाती हैं, जैसे आपने सुना होगा 6th शेड्यूल के बारे में, आपको पता है 6th शेड्यूल में ATMM आते हैं। ATM मतलब देखो ATM का मतलब हो गया आसाम, मेघालय और त्रिपुरा और मिजोरम, चार स्टेट आते हैं 6th शेड्यूल में। और 6th शेड्यूल में क्या प्रोविज़न है कि वहाँ पर आप जो है वहाँ पर आपके द्वारा क्या किया जाएगा कि आपको सॉरी ऑटोनॉमस काउंसिल बनाई जाएगी 6th शेड्यूल के अंदर। तो इसी तरह से 6th शेड्यूल की तरह पर यहाँ पर रीजनल काउंसिल बनाई जाती है, ठीक है। इस रीजनल काउंसिल में त्योनसिंग डिस्ट्रिक्ट में स्पेशली ये रीजनल काउंसिल बनाई जाती है क्योंकि त्योनसिंग डिस्ट्रिक्ट बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब एरिया रहा है। गवर्नर 35 मेंबर्स इंक्लूड करता है जिसमें से कुछ मेंबर गवर्नर के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं और किस तरह फंक्शन करेंगे वो बताया जाता है, ठीक है। अब यही चीज़ इन्होंने आगे भी बता दी कि कोई भी लॉ है कैसे बनाया जाएगा, लैंड से रिलेटेड, फॉरेस्ट विलेज से रिलेटेड कैसे बेनिफिट उसके उठाए जाएंगे, यही इन्होंने बताया कि प्रॉपर्टी के लिए क्या लॉ होगा और त्योनसिंग डिस्ट्रिक्ट में किस तरह से ये वर्क करेंगे। ओवरऑल क्या है, आर्टिकल 371 का पर्पस है कि वहाँ के कल्चर को प्रोटेक्ट करना, प्रिजर्व करना, वहाँ के ट्रेडिशन और कस्टम लॉ को देखना, रेजिस्टेंट स्ट्रगल अगेंस्ट कॉलोनियल सेंट्रल
लॉ, ठीक है, यही चीज़ यहाँ पर बताई गई। सिग्निफिकेंस क्या है, ये ग्रेटर ऑटोनॉमी देता है और सेल्फ गवर्नेंस देता है और मेंटेन करता है उनकी डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी को, और जबकि ये इंडियन यूनियन से मिले भी रहते हैं। कंसर्न क्या है, सबसे बड़ा कंसर्न है जो प्रोग्रेसिव और बेनिफिशियल लॉ है वहाँ अप्लाई नहीं हो पाते विदाउट स्टेट असेंबली की कंसेंट से, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, कोई भी लॉ सेंट्रल गवर्नमेंट लाती है जैसे विमेन रिजर्वेशन के लिए लाई है तो वहाँ पर अप्लाई नहीं हो पाएगा, उसके लिए स्पेशल प्रोविज़न की ज़रूरत पड़ती है। वे फॉरवर्ड में क्या कहा जाता है, यही कह रहे हैं कि अर्बन लोकल बॉडी जो है अभी तक वहाँ पर डिफंक्ट हैं, वहाँ पर कोई भी फंक्शन नहीं चल रहा है, उसको रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, तो म्यूनसिपल इलेक्शन और विमेन रिजर्वेशन को वहाँ पर अभी तक उसके इशू को रिजॉल्व नहीं किया गया। ओवरऑल यही कहा जाता है कि इसमें बैलेंस रखने की ज़रूरत है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न में और कस्टमरी लॉ में, और पीसफुल और इंक्लूसिव डेवलपमेंट इस एरिए का बहुत ज़रूरी है। देखो एक क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर यूपीएससी में आया हुआ है, स्पेशल प्रोविज़न से रिलेटेड है नागालैंड के, इन्होंने क्या पूछा है कि इसमें से बताना है स्टेटमेंट में से कौन सा करेक्ट है। देखो पहला स्टेटमेंट कहता है एक्ट ऑफ पार्लियामेंट रिलेटेड टू रिलीजियस एंड सोशल प्रैक्टिस ऑफ नागा वुड बी एप्लीकेबल आफ्टर अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट, आफ्टर अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट एप्लीकेबल हो सकता है, बिल्कुल सही है, नहीं बिल्कुल गलत है। बताऊँ कैसे गलत है, इसमें प्रेसिडेंट नहीं है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है। तो देखो पहला गलत हो गया, ये भी चला गया, ये भी चला गया, ये भी चला गया, बी ऑप्शन हो गया। बी में क्या बताया, गवर्नर शुड मेक अ रूल्स फॉर कंपोजिशन ऑफ रीजनल काउंसिल स्टेबलाइज फॉर अ त्वेंसिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ अ स्टेट। त्वेंसिंग डिस्ट्रिक्ट में जो रीजनल काउंसिल बनती है उसमें गवर्नर को रूल्स का और कंपोजिशन बनाना पड़ेगा, बिल्कुल सही है। गवर्नर शैल अरेंज इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी प्रोवाइड बाई सेंट्रल बिटवीन त्वेंसिंग डिस्ट्रिक्ट और रेस्ट ऑफ। देखो त्वेंसिंग डिस्ट्रिक्ट का इतना मतलब इतना डिस्टर्ब एरिया था कि उसके लिए स्पेशल प्रोविज़न है, रीजनल काउंसिल बनाई जाती है, गवर्नर स्पेशल संज्ञान उसका लेता है। तो ये आज हमने इंपॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस किए। थैंक यू वेरी मच।